यूपी में दो लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा की तरफ से बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर सपा ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया है। आसिम रजा सपा नेता आजम खान के नजदीकी है और रामपुर के नगर अध्यक्ष है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा उम्मीदवार हो सकती है। नामांकन के लिए उनके द्वारा पर्चा खरीदने की भी बात सामने आई थी। गौरतलब खबरों के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया है कि आजमगढ़ से पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिए जाने की पूरी संभावना थी, तो वहीं रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा का टिकट पक्का माना जा रहा था। फिलहाल नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इन दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे।